हेलो गाइस, अगर आप सिंदूर कीमत देखते हो तो आप तो उनको पहचान गए ही होगे तुरंत। तो ये हैं विलेन नंबर वन, जिनको आप इस टाइम भर भर के गालियां दे रहे होगे। और अभी जस्ट मैं कमेंट पढ़ के, किसी का आ रहा था, उनकी कोई पोस्ट थी, उन्होंने एक वीडियो पे डांस वांस किया था, तो उस पर किसी ने कॉमेंट लिखा था कमीनी। तो आज बात करने वाले हैं इनकी रियल लाइफ की, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसको नहीं पता होगा, ये पहले मतलब बहुत पहले, तो उस टाइम ये अमिताभ अमित सीरियल आता था उसमें ये बहुत फेमस हुई थी उस टाइम। और जो अमिताभ अमित सीरियल था उसमें ये लीड रोल प्ले कर रही थी, मतलब हीरोइन का रोल, ठीक है ना। तो बहुत क्यूट लगती थी उस टाइम। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, मतलब 2001 में इन्होंने डेब्यू किया था, चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू था। इतना वो मत सोचो, इनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं हो गई है। कोई अपना सा एक सीरियल था उसमें इन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस का रोल जो है प्ले किया था, ठीक है। इसके बाद एक और सीरियल था, क्योंकि सास से कभी बहू में, उसमें भी एक किसका बांपरी का रोल प्ले किया था। और उसमें उस सीरियल में, मतलब क्योंकि सास से कभी बहू में रिप्लेस किया था। और किसको रिप्लेस किया था? अपनी डुप्लीकेट को। यस, मतलब डुप्लीकेट नहीं कह सकते, मतलब शक्ल थोड़ी सी मिलती रहती थी, वैसा कुछ कह सकते हो। कौन है? हंसिका मोटवानी। यस, मैंने जब छोटे की बचपन की फोटो जब देखी तो मैं तो चौंक गया। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हंसिका मोटवानी जैसे दिख रही है, हालांकि अब काफ़ी डिफरेंस हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी बायोग्राफी की। तो जो इनका जन्म है वो मुंबई में हुआ था, 1991 में हुआ था। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो कन्फर्म नहीं है, मैंने कहीं से, मतलब कहीं वेबसाइट से, मैंने बता रहा हूँ आपको, 21 अप्रैल, ठीक है। तो इस टाइम ये 31 साल की हो चुकी हैं, तो बहुत बड़ी नहीं है, अब ये मत सोचना कि बहुत बड़ी हो गई हैं, ठीक है। और इन्होंने ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन कुछ है, वैसा कुछ कोर्स वोर्स किया हुआ है, ठीक है ना। और हाँ, और 2-3 सालों में ये काफ़ी नेगेटिव रोल कर रही हैं, लाइक डॉक्टर आस्था संजीवनी में किया था, पलक इन रूप मर्द की पता नहीं क्या जवान थी, मर्द का स्वरूप कुछ ऐसा नाम था सीरियल का, उसमें भी विलन का ही रोल प्ले किया था।